वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जहरम में गैस सिलेंडर फटने से अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाकये में जाबाँ होने वाले अफराद के लिए मगफिरत, अहले खाना और जख्मी होने वाले 10 अफराद के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुतल्लिका हुकाम को जख्मियों के इलाज मुआवजे में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुलजिमों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया। सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करा दिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में दर्ज 11 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना खना में दर्ज 2 और थाना बहारा खू के एक मुकदमे की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो चुका है। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुलजिम ने वकूआ वाले दिन ट्वीट किया था। इलेक्शन वक्त पर होंगे, कौम से उम्मीद है कि वो दोबारा मुल्क को किसी आजमाइश में नहीं डालेगी। मुल्क को तबाही से हमकनार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात, कहा एक माह बाद मरकज की हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े कर दिया कि हम अपनी मुद्दत पूरी करने पर हुकूमत छोड़ देंगे, इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इस हवाले से मुश्किलात का भी सामना है, कर्जों का बोझ भी कम होना शुरू हो गया है। मौजूदा और साबका हुक्मरान जमाते स्टेटस को का तसलसल है। जमात इस्लामी मुल्क में कुरान का निज़ाम चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का बयान, कहा कि कर्जों से मईशत चलाने पर PGM PP PTI में इतफाक है। सूदी निज़ाम जारी रखने पर हुक्मरान जमाते एक पेज पर हैं। हुकूमत में शामिल मजहबी जमातें भी सूदी निज़ाम पर खामोश हैं। पाकिस्तान का ताकतवर इदारा इस वक्त मुकम्मल न्यूट्रल है। 5 किरदारों ने पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद रखी। जनरल रिटायर्ड कमर शावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वफाकी वजीर मियां शावेद लतीफ का बयान, कहा IMF वक्त किस हैसियत से हुकूमत की बजाय एक सियासी सरजमात के पास गया। उनका कहना था कि IMF से कर्ज मिलने पर खुशी इस बात पर थी कि एक मखसूस जमात की तरफ से मुखालफत के बावजूद कामयाबी मिली। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, पुस्ताइयत चंगेजियत बर्बरियत और लाकानूनियत है। कहा कि आज सुबह 2 बजे मेरे अजीज दोस्त सैयद कासिम शाह के दोनों घरों में मेरी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। जब मैं ना मिला तो उनके घरों में बुरे तरीके से तोड़ फोड़ की गई और उनके इकलौते 11 साल बेटे सैयद और मोहम्मद कर उठा कर साथ ले गए। इस्लामाबाद में दफा 144 में मजीद 2 माह की तौसी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों पर पाबंदी आए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक इस्लामाबाद में मंसूबे के तहत अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए दफा 144 में तौसी कर दी गई। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया, जिससे शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में 70,000 क्यूसिक का रेला दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जग जंधीर और चनमान सिंह के खेतों में पानी दाखिल हो गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना है कि शकरगढ़ के इलाके में सैलाबी पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का अमल मुकम्मल कर लिया है।
और मुल्क भर में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, बलाई सिंध और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। सिबी, बाखान, योब और मूसा खेल में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए केएन न्यूज।